हम लोग इतना टॉपिक आज शेयर कर रहे हैं पार्ट टू के अंतर्गत। देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कण का त्रिज्या का सूत्र, कण का वेग का सूत्र, कण का आवर्तकाल का सूत्र, दशावर्ती पेच का नियम, उसके बाद से दाएं हाथ के हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बायो सावर्ट का नियम और विद्युत धारावाही वृत्तकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहले आपका साइक्लोट्रॉन क्या होता है, देखो आप पहले जानिए कि साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का वह युक्ति होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन माने जो धनावेशित कण होता है उसके विभव को और उसके ऊर्जा के मान में क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। याद करो, याद सब लोग करो, जो साइक्लोट्रॉन होता है सब लोग याद करो, साइक्लोट्रॉन जो होता है एक प्रकार का वह युक्ति होता है जिसके द्वारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन या जो धनावेशित कण होता है उसके ऊर्जा को हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उपयोग किया जाता है। आपको याद भी होगा ना, ये जो होता है साइक्लोट्रॉन 2D आकार के संरचना से मिलकर के बना होती है, याद है 2D आकार का। देखो इस तरीके से साइक्लोट्रॉन की संरचना होती है, ऊपर मान लो वैद्युत क्षेत्र है, ऊपर अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो नीचे आपको चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों क्षेत्र इसमें उपस्थित होता है चुंबकीय क्षेत्र। और जिस कण के ऊर्जा को बढ़ाना होता है उसको हम लोग कहाँ करते हैं, उसके इसके साइक्लोट्रॉन के केंद्र में रखते हैं, उसके बाद से गति करता हुआ इसका ऊर्जा क्या होता है बढ़ जाता है, इसका ऊर्जा क्या होता है बढ़ जाता है। सबको याद हुआ का साइक्लोट्रॉन, देखो यही आपका है जो हमारे 2D आकार के संरचना से मिल करके बना होता है, इसमें जो धनावेशित कण होता है, रिआवेशित मत कहना, धनावेशित जो कण होता है जैसे प्रोटॉन हुआ, जैसे न्यूट्रॉन हुआ, चाहे प्रोटॉन ले लो चाहे न्यूट्रॉन ले लो, उसके ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं, उसके ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। प्रोटॉन हुआ या न्यूट्रॉन हुआ उसके ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं, और धनावेशित कण की ऊर्जा को ही बढ़ा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो धनावेशित कण होते हैं उसके ऊर्जा को हम लोग बढ़ा सकते हैं, साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो धनावेशित कण होते हैं उसके ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। सबको याद होगा, बता देंगे ना, धनावेशित कण की ऊर्जा को हम लोग बढ़ा सकते हैं। देखो फिर ध्यान से देखना है, अब आपसे कोई पूछे कि जो साइक्लोट्रॉन के अंदर कण जो होता है उस कण की त्रिज्या का सूत्र बताइए। देखो आपका सेकेंड यूनिट आया है कण का त्रिज्या का सूत्र। देखो मान लो कि जो साइक्लोट्रॉन जो होता है जो भी कण घूमता है वृत्तकार मार्ग पर घूमता है, अब इसको हटा रहे हैं, सेकेंड नंबर टॉपिक आपका आ रहा है कण का त्रिज्या का सूत्र, कण का त्रिज्या का सूत्र। देखो आज सब लोग याद करें, इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आता है बाबू, और न्यूमेरिकल आता है आपको एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो इसी सूत्र पर आएगा। तो ये मान लो कोई वृत्त है, वृत्तकार है, इसके ऊपर कोई कण गति कर रहा है बाबू, कोई कण गति कर रहा है तो उस पर दो बल काम करेगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी कण गति करता है उस पर दो बल काम करेगा, एक जो बल होगा उस बल को हम लोग कहेंगे, देखो एक जो बल होगा उस बल को हम लोग कहेंगे लारेंज बल। कौन बल कहेंगे? लारेंज बल, लारेंज बल उसको चुंबकीय क्षेत्र कारण होगा। और जब ये कण गति कर रहा है तो यहाँ नाभिक है, और नाभिक और इसके बीच में जो बल काम करेगा उसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल, उसको हम लोग क्या कहते हैं अभिकेंद्र बल, उसको क्या कहते हैं हम लोग अभिकेंद्र बल। याद करो अभिकेंद्र बल ना हमेशा केंद्र की ओर काम करता है, जैसे कोई कण है ये केंद्र है तो हमेशा केंद्र की ओर काम करता है, जो भी अभिकेंद्र बल होता है हमेशा केंद्र की ओर काम करता है। तो जब भी कोई भी कण है धनावेशित कण है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो इस पर दो बल काम करेगा, एक लारेंज बल और एक अभिकेंद्र बल, एक लारेंज बल और एक अभिकेंद्र बल, दोनों बल बराबर होगा। दोनों बल क्या होगा? बराबर होगा। देखना एकदम ध्यान से, दोनों बल बराबर होगा, यानी देखो यहाँ पर जो कण का अभिकेंद्र बल होगा, जो कण का अभिकेंद्र बल होगा वह लारेंज बल के बराबर होगा, जो केंद्र का अभिकेंद्र बल होगा वह लारेंज बल के बराबर होगा, अभिकेंद्र बल बराबर लारेंज बल। और आप पढ़ के आ रहे हैं कि अभिकेंद्र बल का जो मान और सूत्र होता है mv² / r होता है, लारेंज बल का, लारेंज का अभिकेंद्र बल का 11 में भी आप पढ़े थे।
लॉरेंज वाला पढ़े हैं ना, क्यू भी बी साइन थीटा होता है ना, खाली क्यू भी बी लिख रहे हैं। क्यू आपका आवेश है, भी आपका वेग है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ये ऊपर से ऊपर आपका कट जाता है, बी से भी कट गया, कहाँ बच गया, एम वी बटा आर बराबर क्यू बी। आपको आर बराबर सीट करना है, ये काम करिए, तीसरा दिशा से गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करिए तो एम वी हो जाएगा। आई आर सही लिखो, इस आर का गुणा इसमें होगा तो क्यू भी हो जाएगा। जिसका सूत्र निकालना होता है उसको अकेले रखा जाता है, आर को अकेले रखेंगे तो एम वी बटा क्यू भी आ जाएगा। एम वी बटा क्यू भी आ गया, किसके बराबर आ गया, आर बराबर। यही आपको सीध करना था बाबू, यही आपको त्रिज्या पूछ रहा था, कर्ण की त्रिज्या। तो आर बराबर इतना आ गया है, एम वी बटा क्यू भी। आर बराबर कहा गया, एम वी बटा क्यू भी। यम का है आपका द्रव्यमान है, यम का है द्रव्यमान है, भी क्या है आपका वेग है, क्यू आपका कहाँ है आवेश है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर मूल आवेश कहता तो आप इसके अब एक दस छः गुण है दस को हमारे नहीं रख सकते हैं। अभी आपका कहाँ है चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब भी अगर कोई कहा कि कोई कण है साइक्लोट्रॉन के अंदर गति कर रहा है तो उस कण की त्रिज्या का सूत्र अगर पूछे या ना पूछे, अगर आपसे ये डेरिवेशन भी आना चाहिए और इसमें न्यूमेरिकल भी आपका लगेगा कि अभिकेंद्र बल हमेशा लॉरेंज बल के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल की जगह पर एम वी स्क्वायर बटा आर लिख सकते हैं, लॉरेंज बल की जगह पर क्यू वी बी लिख सकते हैं। इसको आर साहब का भी कट जाएगा बाबू, तो एम वी बटा आर हो जाएगा और एक आ जाएगा क्यू वी। आर गुणा करेंगे तो तीसरा तीसरी तो गुणा होगा तो एम वी, और आर गुणे क्यू वी, आर बराबर का हो जाएगा एम वी बटा क्यू वी, तो आर बराबर एम वी बटा क्यू वी। बोलो यम का है आपका द्रव्यमान है, वी आपका का है वेग है, क्यू आपका आवेश है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। सबको याद हुआ का, सब लोग राहुल बाबू आपको याद हुआ, एकदम आपको आ जाना चाहिए, सब लोग का आ जाना चाहिए। अच्छा चलो अब हम लोग का किस पर चलते हैं, कण का वेग का सूत्र, कण का यही से हो जाएगा, क्या दिक्कत है, भी को अकेले कर लो। कण का वेग का सूत्र मिटा दे, इतना जरूर याद रखना कि आर बराबर ये किनारे ले देते हैं एम वी बटा क्यू भी होता है, ठीक है ना, एम वी बटा क्यू भी। तो सुनिए अब आपके पास क्या कोई कहा, टॉपिक नंबर थ्री आ गया आपका, कण का वेग का सूत्र, कण का वेग का सूत्र। तो कहा होगा बाबू, आप तो अभी सिद्ध किए थे आर बराबर एम वी बटा क्यू भी, आप तीसरा दीजिए गुणा कर लो तो एम वी हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आर क्यू बी, आर क्यू बी। आपको वेग बराबर सिद्ध कर रहा है तो भी बराबर कहा जाएगा आर क्यू बी बटा में यम, आर क्यू बी बटा में यम। देखो यही होगा कर्ण का वेग का सूत्र, यही होगा भी बराबर क्यू बी आर बटा में यम, क्यू बी आर बटा में यम। देख लो सब लोग, देख लो भी बराबर आर क्यू बी बटा में यम हो जाएगा। सब लोग को याद हुआ का, बोलो सब लोग को याद हुआ का, भी को बस अलग कर लेना और क्या, वेग जब पूछ रहा है तो बस भी को अलग कर लो, भी को अलग कर लो। यहाँ पर आर बराबर एम भी बटा क्यू भी, तो तीसरा भी गुणा करेंगे तो एम भी, ये हो जाएगा आर क्यू भी बराबर आपको सीध करना है तो भी बराबर आर क्यू बी बटा में एम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके डाटा दिया होगा, त्रिज्या देगा तो आर भर देना है, आवेश कहेगा तो क्यू भर देना है, चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो बी भर देना है, द्रव्यमान कहेगा तो एम भर देना है। तो यहाँ से आपका कर्ण का वेग निकल जाएगा, यहाँ से कर्ण का वेग आपका निकल जाएगा। बहुत सिंपल था आपका, बस यही सूत्र आपको उठाना है आर बराबर एम वी बटा क्यू भी। पहले तीछा तीछे गुणा कर लो क्योंकि भी को आपको अकेले करना है, तो क्यू भी इसका इसमें कर देते हैं एम भी, और ये हो जाएगा आर क्यू भी बराबर सीध करना था आर क्यू भी बटा में आपका यम हो जाएगा। तो भी बराबर कहा जाएगा आर क्यू भी बटा में यम। तो कर्ण का वेग का सूत्र आपके पास मौजूद हो गया, सब लोग बता देंगे, आगे बढ़े हम लोग। चलो बताओ कर्ण का आवर्तकाल का सूत्र, कर्ण का आवर्तकाल का सूत्र। पहले समझो कुछ बातें, आवर्तकाल का मतलब होता है समय, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल का भी कोई मात्रा कहेगा तो सेकेंडे कहेंगे, समय का भी मात्रा कोई कहेगा तो सेकेंडे कहते हैं। तो आवर्तकाल यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, याद है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये आवर्तकाल बराबर, मान लो ये वृत्त में घूम रहा है तो इसकी दूरी तो परिधि के बराबर होगी ना, कोई भी चीज़ है मान लो इसका कोई दूरी पूछे तो क्या कहोगे, पूरा एक चक्कर लगाया तो पूरा जोड़ दो, ये जोड़ दो वह जोड़ दो पूरा जोड़ दो, ये दूरी हो जाएगी। वहीं अगर इसकी दूरी कहो या इसकी परिधि कहो, दोनों बातें की है, वृत्त का पूरा चारों ओर घूम रहा है तो उसका दूरी को जोड़ दो तो उपायार्थ लिख दो, और चाल तो आपको मालूम है भी है, फिर भी की जगह पर जो आया उसको रख देना आपको। तो आवर्तकाल निकालते हैं हम लोग, चार नंबर टॉपिक पर चल चलते हैं हम लोग, कर्ण का आवर्तकाल का सूत्र। कर्ण का आवर्तकाल को टाइम पीरियड अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। आपको याद होगा आवर्तकाल टी बराबर कहाँ आता है, यहाँ पर परिधि लिखो या दूरी लिखो बटा में चाल लिख लो, वहीं यहाँ समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो परिधि के बराबर होगा क्योंकि वृत्त है, तो टी वहीं यहाँ लिखो। परिधि की जब क्या लिखेंगे आप, टू पाई आर, सब लोग याद करो वृत्त का परिधि टू पाई आर होता है।
चाल आपके पास क्या होगा भी, चाल आपके पास क्या होगा भी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा टू पाई आर, जहाँ चाल भी है तहाँ का लिख रहा है, जहाँ भी है तहाँ का लिख रहा है, देखो भी के जगह ऊपर कर दो तो क्यू बी आर बटा में क्या आ जाएगा, यह प्लस कुछ कटेगा का, देखो आर से आर कट गया तो टी बराबर हो जाएगा टू पाई एम अपान क्यू बी, तो टी बराबर हो जाएगा टू पाई एम बटा में क्यू बी, टू पाई एम बटा में क्यू बी, देखो आ गया आवर्तकाल बराबर, बहुत सिंपल है। टी बराबर परिधि बटा समय, परिधि आपको याद होगा टू पाई आर होगा, चाल जो होगा भी होगा, टी आपको निकालना है तो टी बराबर हो जाएगा टू पाई आर, भी की जगह पर आपके पास क्या हो जाएगा एम भी बटा क्यू भी, तो भी की जगह पर भी छोड़ दो बाकी सब गुणा कर दो तो आर क्यू भी बटा में एम हो जाएगा, आर क्यू भी बटा में एम, आर चार कैंसिल और तीन को तो ऐसे रहेगा नहीं तो पलटोगे तो एम ऊपर चला जाएगा, तो टू पाई एम बटा में क्यू भी, टू पाई एम बटा में क्यू भी हो जाएगा सीध सबसे। देखो यही आवर्तकाल बराबर है आपका, टी को आवर्तकाल कहता है, ठीक है क्या कहते हैं हम लोग आवर्तकाल। अच्छा सुनो एक और यही को बात बता देते हैं, ये तो आवर्तकाल रहा, कोई आपसे आवृत्ति बराबर पूछे, किसके बराबर आवृत्ति बराबर, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है एक बटा आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर क्या होता है एक बटा आवर्तकाल, अच्छा आवर्तकाल होगा तो क्या लिखेंगे ये वाला ऐसा लिखेंगे टू पाई एम अपान क्यू भी, टू पाई एम अपान क्यू भी ऊपर लेके चलो, हालांकि आवृत्ति को आपसे यब से प्रदर्शित करता फ्रिक्वेंसी तो क्यू भी आपका ऊपर चला जाएगा, क्यू भी आपका ऊपर चला जाएगा बटा में टू पाई एम आएगा, टी एम बराबर माने आवृत्ति बराबर भी आपका सीधा जाएगा, जब आवर्तकाल दिया हो तो आवृत्ति बराबर सीधा हो जाएगा ना, क्यू भी बटा में टू पाई एम, एक बटा आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल के लिए आपने सीख किया टू पाई एम बटा में क्यू भी, तो वन अपान आवर्तकाल के लिए टू पाई एम बटा में क्यू भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्यू भी अपान टू पाई एम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। अब आते हैं हम लोग दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, बहुत सिंपल है वो, तो आप लोग जो लोग हमेशा पेंच के खोलते होंगे कसते होंगे उनको तो याद होगा, नहीं याद होगा तो आज याद कर लो, तभी तुम लोग कहोगे हमारे सर ने हमको याद करा दिया। आगे तुमको कौन पूछेगा, तो नहीं माना अगर सब टीचर लोग पढ़ाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाना होता है बच्चों को पढ़ा के लिए, किसी को इंजीनियर बनाना होता है ताकि सब लोग सब टीचर लोग बन जाएंगे तो फिर बच्चा का कौन, बच्चा का करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे। हाँ चलिए मिटा रहे हैं इसको, अरे देखिए दक्षिणावर्ती पेंच का अच्छा ही देखने को मिलता है ना कि लोग जो कार्य करते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, पेंच का नियम उस कार्य को अच्छे तरीके से जान जाते हैं। अब दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है सबको याद होगा, याद है सबको, देखो मान लो कि हमारे पास एक स्क्रू है, स्क्रू जानते हैं ना वो भैया बोर्ड में कसा गया, देखो यही तो स्क्रू है, ये स्क्रू है, इसको पेंच कहते हैं, और हमने कहा लिया पेचकस, हमने कहा लिया यहाँ पर पेचकस, देखो ये पेचकस है, ये मुठिया जिसे पकड़ते हैं हम, ये मुठिया है, ये पेचकस है, आप पेचकस आप पेंच को कसते हैं, तो सुना ध्यान से, तो जब पेचकस से पेंच को कसेगा तो ऐसे पकड़ा जाता है, देखो ऐसे इस तरीके से घुमाते हैं हम, हालांकि हमने के जगह मन को आगे घुमा दिया जाता है वो अलग चीज़ है, क्योंकि रूल यही होता है कि ऐसे कसो, माने हम लोग पेचकस को, पेचकस से जब किसी पेंच को कसते हैं तो जो पेंच का नोक होता है धारा की दिशा को बताता है, पेंच का नोक किसके दिशा को बताता है धारा की दिशा को बताता है, तो जो लिपटी हुई अंगुलियाँ होती है, लिपटी हुई क्या होती है अंगुलियाँ होती है किस पर, पेचकस पर, वह चुंबकीय बल की दिशा को बताती है, सिंपल से एकदम याद करो। आपसे कोई पूछे कि दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या होता है, अच्छा एक चीज़ बताए तुम लोगों को, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं आगे आप पढ़ने के लिए जाइए, चाहे आप मान लीजिए डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़िए, चाहे आप बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर आप जाएंगे, हर एक में ये पाठ आपको मिलेगा, ये सब रूल आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। पूछ जाएगा कि दक्षिणावर्ती पेंच के नियम में जो जो पेचकस होता है, जो का नाम पेंच का नोक होता है किसको बताता है, हमें चार ऑप्शन दे देगा तो धारा की दिशा को बताता है, मानेंगे क्लिक आएगा चार नंबर हो जाएगा क्लिक, फिर आपका होगा सिलेक्शन, आप मिलेगा एक महीने में 400,000 रुपया सैलरी, आदमी यही तो होता है ना। तो यदि हम लोग किसी स्क्रूप को पेचकस से इस प्रकार कर कसे कि स्क्रूप का नोक धारा की दिशा का बताता है, स्क्रूप का नोक किसको धारा की दिशा का बताता है, तो पेचकस को जिधर हम घुमाते हैं घुमाने की जिधर अंगुलियाँ लिपटी होती है वह चुंबकीय बल की दिशा को क्या करती है बताती है, ठीक है ये बता दिए। दाएं हाथ के हथेली के नियम सुन लो, दाएं हाथ के हथेली के नियम, यदि हम दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं, सुन लो बाबू तनी,
ऐसे नहीं, वो फ्लेमिंग के बाहर नियम होता नहीं, खाली ऐसे हथेली के। तो अगर दाएं हाथ के हथेली किस प्रकार फैलाए कि सब माने एक दूसरे के समांतर हो, तो जो अंगली होती है धारा की दिशा को बताती है। अंगली किसके बताएगी? आज ये जो हथेली देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताती है। अब आइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, याद है सबको? ये तो बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जितना ये दक्षिणावर्त के पेंच का नियम और हथेली के नियम इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ये इम्पोर्टेंट है। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सुनो ध्यान से। अब आप एक सूत्र को याद करो सब बच्चा लोग, या बराबर बी आई एल, या बराबर बी आई एल, या बराबर बी आई। तो बाया की बात करते हो तो बाया ही होगा ना, आपको पहचाने में दिक्कत होगी तो याद करिए कि आप सुबह किससे पानी छुए थे, याद हो जाएगा आपका, तो ही बाया हाथ होता है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। तो यदि हम लोग क्या करते हैं ना कि बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ के क्या होता है अंगूठे, और उसके पास वाले अंगली को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है। बाया की बात कर रहे हैं, जब बाया की बात करेंगे तो बल की बात होगी। यदि हम लोग बाया हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले अंगली किस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो लंबवत हो, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो जो पहला अंगली जो अंगूठा है ना, अंगूठा वो किसको बताएगा? बल को। अंगूठा किसको बताएगा? बल को। अंगूठे के पास वाले अंगली किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाले अंगली धारा की दिशा को। सिंपल बात आपका याद हुआ कि यदि हम लोग बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले अंगली को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा किसको बताएगा? बल की दिशा को। अंगूठे के पास वाले अंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये बीच वाली, बीच वाली इसलिए क्योंकि दो ये है दो है बीच में ही है, तो किसको बताएगी? धारा की दिशा को बताएगी। अब आ जाएगी, सब लोग याद हो गया क्या? थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है बस। फ्लेमिंग के अब दाएं हाथ के नियम पर आ जाओ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जल्दी से देख लेते हैं। दाएं हाथ का नियम किसके नियम है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या कहेंगे कि यदि हम लोग, सुन लो ध्यान से, जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे, यदि हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले अंगली को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा किसके बताएगा? मालूम है चालक के गति को थोड़ा सा चेंज करना है बस। अब यह फप नहीं बताएंगे, बल जब बाया कहेगा तब बल, जब बाया कहेगा तब बल, जब दाहिने कहेगा तो चालक की गति को बताता है। अंगूठा किसको बताता है? चालक की गति को, और उसके पास वाले अंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाले अंगली धारा की दिशा को बताती है। याद हुआ? दायक जब कहेगा तो दायक है, तो चालक की गति को, और इसके पास वाले अंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाले अंगली धारा की दिशा को क्या करती है बताती है। चलो अब आओ यहाँ पर बायो सेवट का नियम जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, बस पाँच मिनट का और खेला है। बायो सेवट का नियम देखो, बायो सेवट के नियम या किसी विद्युत धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का यही होता है। मान लो एक तार है, इसका कोई अल्पांश ले लिए कहीं से कहीं तक, मान लो डेल्टा एल है इसकी, यहाँ से इसकी दूरी आर है, जहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है बी का मान, यहाँ पर जो कोण बनता है थीटा है, इसमें जो धारा बनता है आई है, आप लिखिएगा पूरा। ए बाबू बायो सेवट का नियम हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा याद करा दे। बायो सेवट का नियम होता है बी बराबर, बी बराबर क्या होता है? म्यू जीरो फोर पाई इंटू डेल्टा आई डेल्टा एल होता है ना जी, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। हाई तो पूरा आपको दिखाना पड़ेगा ना, देखो आई आपका यहाँ पर दिखा दिया गया है, ये डेल्टा एल दिखा दिया गया है, यहाँ थीटा दिखा दिया गया है, यहाँ आर दिखा दिया गया है, तो क्या सिद्ध किया जाता है? बायो सेवट का नियम यहाँ पर है, नौवां जो आपका है बायो सेवट का नियम, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा के समानुपाती होता है समीकरण नंबर एक, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डेल्टा एल के समानुपाती होता है समीकरण नंबर दो। देख लो सब समानुपाती दिखाना है, भाई तो मान लो नहीं ये टांग के इसको नहीं दिखाया जाता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसके? वह जो होता है साइन थीटा के समानुपाती होता है समीकरण नंबर तीन। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक बटा आर स्क्वायर समीकरण नंबर का आ गया चार। ध्यान से समझ, जितना पढ़े उतना याद हो गया कि नहीं बताओ? नौ हम लोग टॉपिक पढ़े, समीकरण एक कमा करके दो कमा करके तीन कमा करके चार से, सब लोग समझो समीकरण एक दो तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। चलो जो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो म्यू जीरो बटा फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर
इस तरीके से आपका एसिड हो गया। बी बराबर म्यू जीरो फोर पाई आई डेल्टा एल साई थीटा बटा में आर स्क्वायर, बताओ सीट हो जाएगा। सब लोग को बहुत मुझबानी तरीके से आप इसको सीट कर सकते हैं सब कुछ। पहले तो आप याद रखेंगे कि म्यू जीरो बटा फोर पाई आई डेल्टा एल साई थीटा बटा में आर स्क्वायर। बारी बारी से एक बार बी समानुपाती धारा, बी कहाँ है चुंबकीय क्षेत्र है, जितना अधिक धारा बहेगा उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जितना बड़ा अल्पांश होगा उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितना अधिक कोण का मान होगा उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितना ही दूरी बढ़ाएंगे उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि आप जानते हो दूरी बढ़ने के बाद चुंबक का जो प्रबलता होता है कम होता चला जाता है। उसके बाद समय के एक दो तीन चार सब लिख लीजिएगा, बीस समानुपाती के चिन्ह है ये आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा मार स्क्वायर। जब आप समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है म्यू जीरो बटा फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में कहा होता है आर स्क्वायर। चलो आज का लास्ट टॉपिक है, बस दो मिनट में उसके बाद से आज का दिन का हम लोग समाप्ति करेंगे। ठीक है जल्दी से देखते हैं हम लोग, समझ आया है बाईस मिनट का दिया सीधा हो जाएगा सबसे। चलिए लास्ट आज का टॉपिक आपके पास है विद्युत धारावाही वृत्तकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। सुनो इधर देखो, ये विद्युत धारावाही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसके बीच की दूरी आर मान। तो सुनो ध्यान से, पहले आपने देखा है कि बी बराबर होता है क्या चीज, म्यू जीरो फोर बाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, इतना होता है समीकरण मान लो। समीकरण मान मानोगे एक, लेकिन जब केंद्र पर पूछता है ना बाबू तो थीटा का मान आप 90 डिग्री लिखेंगे। थीटा का मान कितना लिखेंगे 90 डिग्री। और जो अल्पांश होता है जो डेल्टा एल होगा, जो डेल्टा एल होगा उसके जब 2πr लिखेंगे, परिधि के बराबर होता है एल का मान। तो रखो बी बराबर म्यू जीरो फोर पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल के जगह पर 2πr साइन 90 हो जाएगा ना थीटा के जगह पर बटा में आर स्क्वायर। देख लो ध्यान से, तक डेल्टा एल के जगह पर 2πr है ना परिधि के बराबर होता है, ये तो आई लिख लिए ये वाला डेल्टा एल की जगह पर आप 2πr लिख लेंगे साइन 90। और सुनिए ध्यान से, कुछ कटेगा देखो आर से एक स्क्वायर कट गया, देखो पाई से पाई कट गया, ये दो से चार दो बार में कट गया, क्या बच गया म्यू जीरो आई साइन 90 का मान एक होता है एक, नीचे कहा गया दो आर, तभी बराबर आपका आ जाता है म्यू जीरो आई बटा में दो आर, इतना आपका कहा गया सीध हो गया। ठीक है कुछ क्वेश्चन लिख लो पाँच गो, कल जो आपको दिया गया था उसको आप सीध जांच करा के तब जाइए।